दोस्तों क्या आप कभी सोचे हैं कि ड्रैगन बॉल में कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन हो सकता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों एंजल्स वो बींग होते हैं जिनका मल्टीवर्स में बहुत ही हाई स्टेटस रहता है। एंजल का रोल यही होता है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टीच करे और उनके डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाए। इसके अलावा एंजल उनके पर्सनल अटेंडेंट के हिसाब से भी रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंगा और एनिमे में ये रिवील हो चुका है कि सभी एंजल्स सिबलिंग्स हैं, यानी दोस्तों एक ही माँ के संतान हैं। और दोस्तों उनमें से कुसु सबसे ओल्डेस्ट है। एक तरह से देखा जाए तो एंजल्स को मारना बहुत ही मुश्किल है, पर दोस्तों जब एंजल्स लॉ के खिलाफ जाते हैं यानी नियम के खिलाफ जाते हैं तब उनके लिए खतरा बढ़ जाता है मरने का। यहाँ पर दोस्तों सभी एंजल्स का नाम शराब यानी दोस्तों अल्कोहल के नाम से लिया गया है। तो दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल को लेके आए हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 कैंपरी। दोस्तों कैंपरी मूला का अटेंडेंट है और साथ में मूला का मार्शल आर्ट टीचर भी है। इसके अलावा कैंपरी यूनिवर्स 3 का गाइडर भी है। जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि कैंपरी मूला का मार्शल आर्ट टीचर है, इसी वजह से ये मूला से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर दोस्तों सभी एंजल्स अपने प्लैनेट में ही रहते हैं जिसका नाम दोस्तों विस प्लैनेट है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा एंजल है जो कि दोस्तों मूला के प्लैनेट में ही रहता है। इसके साथ ही साथ कैंपरी को यूनिवर्स 3 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बींग भी कह सकते हैं। अब इस नंबर 9 पे आता है कॉगनैक। दोस्तों कॉगनैक यूनिवर्स 4 का एंजल है और साथ में क्वांटेला का अटेंडेंट और मार्शल आर्ट टीचर भी है। एक तरह से देखा जाए तो कॉगनैक बहुत ही टैलेंटेड और प्रैक्टिकल यानी दोस्तों व्यावहारिक है। कॉगनैक क्वांटेला का मार्शल आर्ट टीचर होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि कॉगनैक क्वांटेला से भी ज्यादा पावरफुल है और साथ में इसको यूनिवर्स 4 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बींग भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसके पास इतना एबिलिटी है कि ये टेक्निक की मदद से उड़ भी सकता है। और दोस्तों लास्टली इसके पास ब्लास्ट भी होता है जो कि दोस्तों बेसिक एनर्जी वेव फॉर्म होता है। अब इस पर 8 पे आता है मार्टिनो। दोस्तों मार्टिनो यूनिवर्स 12 का एंजल है और साथ में गिनी का अटेंडेंट और मार्शल आर्ट टीचर भी है। यहाँ पर दोस्तों मार्टिनो ग्रैंड प्रिस्ट की एक डॉटर है। ये एंजल को हम एक ओवरवेट फीमेल एंजल भी कह सकते हैं। दोस्तों ये एंजल एक ऐसी एंजल है जो कि दोस्तों मॉडल के लाइफ को बिल्कुल भी केयर नहीं करती है और सिर्फ अपने फेस में स्माइल लेके ही होती है। और साथ में इसको यूनिवर्स 12 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट बींग भी कहा जाता है। अब इस पर 7 पे आता है कोकाटेल। दोस्तों कोकाटेल यूनिवर्स 5 का एंजल है और साथ में अरक का एटेंडेंट और मार्शल आर्ट टीचर भी है। यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो कॉकटेल एक ऐसा एंजल है जो कि दोस्तों अर्क और ओगमा उसके नॉलेज से ही कुछ न कुछ सीखने का कोशिश करता है। वैसे भी दोस्तों सीखना कोई बुरी बात नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो सीखने में ज्यादा ध्यान देता है वो असल में पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट होते रहता है और इसको दोस्तों यूनिवर्स 5 का स्ट्रॉन्गेस्ट बींग माना जाता है। अब इस पर 6 पे आता है स्वर। दोस्तों स्वर यूनिवर्स 2 का एंजल है और साथ में हेलस का अटेंडेंट और मार्शल आर्ट टीचर भी है। एक तो से देखा जाए तो स्वर एक बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट वाला एंजल है। स्वर मैक्सिमम टाइम इधर उधर का बाद में ध्यान देने के अलावा वो ज्यादातर इंटेलिजेंट वाले बात पे ध्यान देता है। इसकी वजह से स्वर का पर्सनैलिटी भी सीरियस टाइप वाला होता है और दोस्तों ये एंजल दूसरों से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है। लास्टली इसको यूनिवर्स 2 का स्ट्रॉन्गेस्ट बींग माना जाता है। अब इस 5 पे आता है विस। दोस्तों सभी तो विस के बारे में जानते होंगे जो कि दोस्तों यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का अटेंडेंट और मार्शल आर्ट टीचर भी है। दूसरे एंजल्स की तरह विस भी दोस्तों ग्रैंड मिनिस्टर का एक चाइल्ड है। विस इतना पावरफुल है कि अपने ओपोनेंट को एक ही शॉट में हरा सकता है और साथ में इसका इतना कैपेसिटी है कि ये गोकू और वेजिटा दोनों को एक साथ हरा सकता है। इसके पास बहुत सारे एबिलिटीज भी हैं जैसे कि दोस्तों टाइम मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, डायमेंशनल कंट्रोल और साथ में दोस्तों मैजिक मेटलाइजेशन। यहाँ पर दोस्तों एक बार विस टाइम को रिसेट भी कर दिया था, इससे दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल होगा। अब इसमें आता है वरोस। दोस्तों वरोस यूनिवर्स 6 का एंजल है जो कि दोस्तों यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चंपा का मास्टर टीचर और अटेंडेंट भी है। यहाँ पर दोस्तों वरोस भी ग्रैंड मिनिस्टर की एक बेटी है और साथ में दोस्तों विस की एल्डर सिस्टर भी है। ये दोस्तों वही वरोस है जो कि दोस्तों विस को बहुत टाइम तक ट्रेन की थी। यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर वरोस विस को ट्रेन कर सकती है तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल होगी। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो एक तरह से देखा जाए तो वरोस काइंड हार्टेड पर्सन भी है, लेकिन दोस्तों अगर उसका बुरा टाइम आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में उसको टाइम नहीं लगता है। अब इस 3 पे आता है आवोमो। दोस्तों आवोमो यूनिवर्स 1 का एंजल है और इवान का अटेंडेंट और मास्टर टीचर भी है। अगर हम नोटिस करें तो ये भले दिखने में छोटा है
पर दोस्तों इसका हाई लेवल बहुत ही गजब का है। हम इसको छोटा पैकेज बड़ा धमाका भी कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका साइज भले ही छोटा है, पर दोस्तों इसका नॉलेज इससे भी कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं बल्कि इसके हाई लेवल होने की वजह से ये कोई भी चीज को सेंस कर सकता है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो इसका सेंस करने का पावर बाकी एंजल से थोड़ा अलग है। अब इस और टू पे आता है कॉर्न। दोस्तों कॉर्न यूनिवर्स 8 का एंजल है, जो कि दोस्तों लीक्वार का अटेंडेंट और साथ में दोस्तों मार्शल आर्ट टीचर भी है। एक तरह से देखा जाए तो सभी सिबलिंग्स के बीच में कॉर्न ही एक ऐसा है जो की ग्रैंड बेस्ट के सबसे क्लोज होता है। यहाँ पर दोस्तों कॉर्न का पर्सनैलिटी बहुत ही कठोर और सीरियस टाइप का होता है, यानी इसके पर्सनैलिटी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। लास्टली ये और भी पावरफुल होने के लिए अपने एबिलिटीज और स्किल को ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही बढ़ाने का कोशिश करता है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है कुसु। दोस्तों कुसु यूनिवर्स 10 का एक एंजल है और रूमसी का अटेंडेंट होने के साथ साथ उसका मार्शल आर्ट टीचर भी है। यहाँ पर दोस्तों कुसु भी बहुत ही छोटी दिखती है, लेकिन दोस्तों विस का ये कहना होता है कि सभी सिबलिंग में से कुसु ही सबसे ओल्डेस्ट है, यानी हम इसे ये कह सकते हैं कि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा होगा और स्ट्रेंथ भी बहुत ही गजब का होगा। इसकी वजह से दोस्तों कुसु को गुड और इविल के बीच में फर्क करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है वो परफेक्ट होता है, और दोस्तों इसकी वजह से कुसु ही नंबर 1 पोजीशन डिजर्व करता है। तो दोस्तों ये था टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा एंजल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कॉन्टेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।